So we are live. So guys, join us quickly. हम बताने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप. वो जिसका भी बड़ा सा कमेंट था ब्रीफ में छोटा लिख के भेजो. वो एक कमेंट पढ़ने में फिर इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि हाँ, बहुत सारे कमेंट वेटिंग में चले जाते हैं. फिर आपको लगता है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ती, तब तक मैं आप वापस से दूसरा कमेंट लिख देते हो और फिर मैं बोलती हूँ कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया. सो आई थिंक ट्विंकल मैम की जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है, आप इंस्टाग्राम नहीं देखते हो? कौन देखता है कौन नहीं देखता है? देर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो मी. कल ही मैं खुश हो रही थी कि मैं बहुत फेमस हो गई और आज मुझे पोपट हो गया मेरा. मैम प्लीज बिगनर्स के लिए बेसिक मेकअप किट रेडी कर सके ऐसा वीडियो बनाना. श्योर, हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए. और जो लोग ओके, चलो मैं एक आइडिया देती हूँ आप लोगों को. सो आपको एक सिंपल चीज करना है. अभी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है आई मेकअप करते करते या कभी भी. आपको एक स्क्रीनशॉट लेके ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर पे डीएम करना है, ठीक है? मतलब ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर को मेंशन करना है और हम सबको मेंशन करना है. उर्मिशा नाइन, हिमांशु उर्मी डॉट एच एस वन, बीसीएआई सूरत, धवल मारडिया 40, कुशांग राजानी. ऑल राइट, सो इतनी आईडीज को मेंशन करना है. ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर को भी मेंशन करना है एंड आपको फटाफट से स्टोरी में ऐड करना है. जैसे ही कुशांग सर को नोटिफिकेशन आएगा, ट्विंकल मैम एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर देंगी आफ्टर वन मंथ, विद इन दिस वीक. ओके ट्विंकल मैम, योर टेक्निक इज ब्यूटिफुल टेक्निक, थैंक यू. चलो मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड नहीं किए, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. अभी मैं सबके कमेंट रीड करूंगी स्टार्टिंग से. सो प्लीज हैव पेशेंस, एक ही बार कमेंट लिखना, दूसरी बार मत लिखना, सबका कमेंट रीड होगा. ब्यूटिफुल मेकअप, श्रद्धा जी से इज ब्यूटिफुल मेकअप. सेटिंग स्प्रे कौन सी कंपनी का था? हमने स्मैश बॉक्स का यूज किया था. आप फॉरएवर 52 का यूज कर सकते हो, मेकअप स्टूडियो का यूज कर सकते हो, आप जसगुल का मिस्ट भी यूज कर सकते हो. विच फाउंडेशन यू यूज्ड? यू हैव यूज्ड. वीडियो इज सेव्ड आयशा, यू कैन चेक दैट अगेन. बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू, हमने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज किया था एंड हमने टी जोन पे नार्स का फाउंडेशन यूज किया था, ओनली ऑन द टी जोन. मैम प्लीज बिगिन ऑलरेडी इन्फॉर्म, मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे में क्या डिफरेंस है? मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स होता है, सेटिंग स्प्रे से मेकअप सेट हो जाता है. और वहां पे परफेक्टली अगर एक्सेस पाउडर लगाया है तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है. कहीं पे भी ऐसा लगे कि एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाता है. फॉरएवर 52 के फाउंडेशन साइडर यूज मा चाले चलते गए. ट्रेंडी ब्यूटी मेकओवर, सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल दो कि साइडर्स के लिए अलग फाउंडेशन होते हैं और ब्राइडल के लिए अलग होते हैं. दोनों के लिए सेम ही होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइडर्स पे ये यूज करो और ब्राइडल पे ये यूज करो. शेड के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. ग्लॉसी मेकअप के लिए क्या यूज करना चाहिए? स्ट्रोब क्रीम यूज कीजिए, हाइलाइटर प्राइमर यूज कीजिए, एल्यूमिनेटर यूज कीजिए. मैम अंडर आई रिंकल्स में पफी आईज एंड डार्क सर्कल को कैसे कवर करें? ये हमने बहुत ही अच्छे से हमारी ऑनलाइन क्लास में सिखाया है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्म करूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा. उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास ही करना पड़ेगा या आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो. साइडर का फास्ट मेकअप करो करना हो तो सिर्फ कंसीलर एंड टीएल कर सकते हैं. ऑफकोर्स कंसीलर टीएल स्टूडियो फेक्स ब्लशर कॉन्ट्रोल सब करना.
लेंस कलर डस्की स्किन में कौन सा होगा? वेरी बैड क्वेश्चन. स्किन के हिसाब से लेंस नहीं पहने जाते, हमारा जो आई बॉल होता है, हमारे आई बॉल की जो साइज होती है उसके हिसाब से हमें सिलेक्ट करना होता है. और वो कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए आप सब लोगों को क्या करना है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है. करेक्ट. पीएससी के दो शेड्स ऑल स्किन पे जाएंगे, 3.1 और 4.3. और फेयर में पॉज नहीं परफेक्ट 1.7, 3.1, 4.3 ले लो. ओके. अभी हम एनेस्थेसिया का डीप ब्रो यूज कर रहे हैं, पोमेड शेड. डार्क ब्राउन इज द शेड. हुडा और पीएससी में डार्क शेड कौन सा है? वाह, हुडा का. आई डोंट नो व्हाई स्टिल पीपल आर फोकसिंग ऑन द शेड नंबर्स. आप लोग टेक्निक पे फोकस करो कि हमें स्किन का टोन, कोई भी कंपनी हो, एक डार्क ले लो, एक फेयर ले लो. सी, डार्क टोन अगर आप पूछोगे ना तो डार्क टोन तो 510, 610 सब डार्क टोन है, लेकिन आपको वो शेड्स नहीं यूजफुल है. फॉर इंडियन स्किन यू हैव टू यूज 310 और पीएसी में 4.3, 5.1. बहुत सारे डार्क शेड्स है, आपके एरिया में कौन से डार्क शेड्स चलते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है. दो तीन कलर बताइए डस्की स्किन के लिए. नहीं बताएंगे, सॉरी, वेरी बैड. डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड कंसीलर. कंसीलर और फाउंडेशन में डिफरेंस, कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ऑफकोर्स उसे फाउंडेशन, मतलब एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो. कंसीलर को फाउंडेशन कैसे बनाना है वो हम आपको ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में सिखाएंगे, लेकिन कंसीलर्स थिक कंसिस्टेंसी में आते हैं कंपेरेटिवली टू फाउंडेशन. फाउंडेशन मीडियम कंसिस्टेंसी एंड थिन कंसिस्टेंसी में आते हैं. लेंसेज कौन सी है? हमने दाहब की लेंसेज यूज की है. ब्रो ब्रश का नंबर, इट इज 99 नंबर फ्रॉम पीएसी. This is the Dahab original. Yeah, okay, guys, these are Dahab original, not duplicate. मैंने एक चीज नोटिस की, हमें भी ये बात अभी अभी जस्ट पता चली कि Dahab में मोस्टली वी हैव डुप्लीकेट, मतलब द नहीं वी विल नॉट नेम एनीबडी, बट येस मार्केट में बहुत सारे लोग डुप्लीकेट सेल करते हैं. सो प्लीज बाय Dahab फ्रॉम द ऑफिशियल साइट या ऑथराइज डीलर से ही बाय कीजिए. सो ऑफिशियल बेस्ट इज ऑफिशियल साइट से ही बाय कीजिए. डीलर तो कोई भी डीलर बोल देगा हाँ मैं ऑथराइज डीलर हूँ, राइट? सो डीलर से बाय मत कीजिए. Dahab को ऑफिशियल साइट, Dahab का इंस्टाग्राम पेज भी है Dahab इंडिया करके, उसमें से बाय कर सकते हो या Dahab की ऑफिशियल साइट पर से बाय कीजिए. दैट्स द रीजन आई कैन सी द चेंज इन द कलर. So I am using Tarte shade medium for the eye base. आज पक्का मुझे फोन आने वाला है. All the best. Dahab वालों का थैंक यू बोलने के लिए. मेकअप फिक्सर यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो ना. अगर आपको आपके मेकअप पे डाउट है कि आपने अच्छे से मेकअप को ब्लेंड नहीं किया तो आप कीजिए. हमें डाउट नहीं है इसलिए हम नहीं करते. हमें पता है कि हमारा मेकअप नहीं निकलेगा. एंड एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता कि एक फिक्सर लगाने से मेकअप फिक्स हो गया. अगर आपने यहाँ पे आपका बेस एकदम स्टिकी रख दिया हो, कितना भी हैवी, कितना भी ब्रांडेड महंगा आप फिक्सर यूज करो, नहीं होगा. द मेन थिंग इज बेस लॉक होता है आपकी बेकिंग से. आप बेकिंग परफेक्ट करते हो तो आपका बेस लॉक हुआ, बेकिंग परफेक्ट नहीं करते हो तो आपका बेस लॉक नहीं हुआ. एग्जैक्टली. मैम फेस पर पसीना आता है मेकअप के बाद तो क्या यूज करे आप? स्किन प्रेप ऐसे करो कि फेस पे पसीना. हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जिससे स्किन प्रिपरेशन में वो प्राइमर्स और वो प्रोडक्ट्स यूज करने से आपको पसीना आएगा ही नहीं. सो यस, वो सब सीख लीजिए. मैम आपके पास कार्निवल आई पैलेट मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मिल जाएगी. एडीएस का मिस कहां कंसस है? मिस कैसा है अगर ऐसा पूछे तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है. ग्लॉसी मेकअप के लिए क्या यूज करते हैं? जैसे हमने आज स्ट्रोबिंग क्रीम यूज की वैसे स्ट्रोबिंग क्रीम यूज कीजिए. ब्रश कौन सा है? अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ब्यूटीलिशियस 302 नंबर फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. ये ब्रश मैम कौन सा है? आपका वाला सेटिंग स्प्रे चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, चलेगा ही चलेगा.
प्लीज आस्क माई क्वेश्चन. आरती जी शायद आपका क्वेश्चन मैंने पूछ लिया होगा, नहीं पूछा तो प्लीज वापस से रिपीट कीजिए. हुडा का कॉम्पर में क्या इकोनॉमी ना रेंज हुडा के कंपेयर में कौन सा इकोनॉमी रेंज में फाउंडेशन. हुडा के कंपेयर में आप फॉरएवर 52 ले सकते हो, आप फेरारुशी ले सकते हो, आप जस्ट गोल्ड ले सकते हो, शॉपरेल, फैशन फीवर, शॉपरेल, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है. शॉपरेल या क्राइलॉन कौन सा बेटर है, दोनों अच्छे हैं. ये कश्मीरा जी ये क्वेश्चन आपने लास्ट लाइव सेशन में भी पूछा था, तब भी मैंने आंसर दिया था दोनों अच्छे हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो बाय कीजिए. मैम ब्राइडल्स की लिपस्टिक नथ में लग जाती है मैट होने के बाद भी, सजेस्ट समथिंग. ट्रस्ट मी गाइस नहीं लगती है. स्टार्टिंग द आई मेकअप विद द लाइट ब्राउन कलर. वैसे तो मैम खुद एक टेक्निक से लिपस्टिक को लॉक करती है जिससे नहीं लगती है, बट आज जो ट्विंकल मैम लिपस्टिक यूज करने वाली है उससे भी नथ में बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगती है. मैम पैनकेक से मेकअप कर सकते हो. सी रश्मि जी अगर आपको अभी भी वही पुराने जमाने वाला मेकअप करना है तो आप कर सकते हो, बट अब पैनकेक कोई यूज नहीं करता है बिकॉज पैनकेक अभी मतलब पुराना हो चुका है, सब बहुत कुछ अपडेटेड आ चुका है. वेन इज ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास मेकअप महोत्सव में चल रहे हैं. मेकअप महोत्सव में टोटल 15 डिफरेंट आर्टिस्ट है, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, और बस अभी कुछ ही देर में ट्विंकल मैम अपने टॉपिक्स भी बताने वाली है. लकीली यू गाइज विल बी लकी बिकॉज ट्विंकल मैम बोथ दोनों चीज सिखाने वाले, मेकअप एंड हेयर स्टाइल बोथ द थिंग्स विल बी टॉट इन द मेकअप महोत्सव क्लास इन 3 days सेशन. 15 आर्टिस्ट है, हर एक आर्टिस्ट 3-3 दिन क्लास करने वाले हैं. ट्विंकल मैम के भी 3 दिन है, वो 3 दिन में वो मेकअप भी सिखाएंगे एंड हेयर स्टाइल भी सिखाने वाले हैं. सो बहुत जल्द वो सारे टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं. सो आई एम यूजिंग द फ्लफी ब्रश नंबर 301 एंड द शेड आई एम यूजिंग इज लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन फ्रॉम हुडा नॉटी पैलेट. और गाइज जो 15 आर्टिस्ट का ऑनलाइन क्लास है वो 45 डेज का क्लास है, जिसकी फीस 31 दिसंबर से पहले अगर आप पे करते हो सो ओनली एंड ओनली 3000 रुपीज है, सिर्फ 3000 रुपए. सो आपको हार्डली एक ऑनलाइन क्लास के जो 3 दिन का रहेगा, हर एक 3 दिन का ऑनलाइन क्लास का आप सिर्फ पे करते हो 200 रुपीज ईच. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइज, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट 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 मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन द मेकअप महोत्सव क्लास. सो नाउ आई एम यूजिंग द ऑरेंज कलर. ओके रुको मैं पहले नंबर पिन कर देती हूँ, उसके बाद आगे के कमेंट्स रीड करती हूँ. मैंने नंबर्स पिन कर दिए हैं. सो अगर आपको मेकअप महोत्सव की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कोई भी नंबर पे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको मेकअप महोत्सव की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी. फाउंडेशन को लिक्विड फॉर्म करना है तो कौन सा स्प्रे मिक्स करें. पहली बार फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में ही होता है. अगर आप स्टिक फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो स्टिक फाउंडेशन में आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो उसको लिक्विड ही बनाने के लिए, या आप क्राइलॉन का क्या आता है सीलेट, नहीं नॉट सीलेट सॉरी अरे ऑन करो ना, ऑन नहीं सॉरी गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन. नाउ आई एम यूजिंग द रेड कलर. जेल लाइनर स्प्रेड ना था एना माटे सू करवानू. उसके बार बार वो कॉल कट करे तो बार बार क्यों करे. मैम प्लीज वीडियो सेव करना, क्यों आप नहीं देख पा रहे हो अभी. मैम प्लीज बताओ ब्राइड्स की नथ में मैट लिपस्टिक भी हट जाती है तो क्या करे. नहीं हटेगी अगर टेक्निक से, टेक्निक से करोगे तो नहीं हटेगी. आन स्किन की स्किन पे बहुत टेक्सचर होता है तो उससे कैसे डील करें. आंटीज की स्किन पे मेकअप नो मेकअप लुक के लिए. ओके वेरी नाइस थिंग. मैम का नंबर दीजिए. श्योर ट्विंकल मैम का नंबर भी हम बोल देते हैं, आप डायल कर सकते हो 9909383243 पर.
सॉरी इट इज 9909383243. वॉट टू डू टू स्टॉप जेल लाइनर टू स्प्रेड, उसको अच्छे से लॉक कर दीजिए या तो उसको अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए. जेल लाइनर अप्लाई करने के बाद अगर अच्छे से ड्राई हो गई तो वो स्प्रेड नहीं होती है. अगर आप अप्लाई कर दिए और कस्टमर को बोलेंगे हाँ आंख खोलिए तो वो कैसे, कोई भी चीज को ड्राई होने दीजिए. जेल लाइनर अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जेल लाइनर अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिक वो वहां पे फिक्स हो जाएगी, नहीं. जेल लाइनर लगाने के बाद उसको ड्राई होने दीजिए, उसके बाद कस्टमर को बोलिए आंख खोले तो वो स्प्रेड नहीं होगी. सो नाउ आई विल बी यूजिंग द पर्पल कलर. यस वी विल यूज पर्पल कलर नाउ. फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर कैसा है? मैं बहुत अच्छा है, मैंने अभी धवल मारारिया से बाय किया है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि उसका जो फिक्सर है वो यू नो वॉटरी नहीं है तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. इट इज अ वेरी नाइस पैलेट. कार्निवल पैलेट कितने की है प्लीज डीएम धवल मारारिया या हिमांशु को, आप डीएम कर सकते हो फॉर प्राइजेस. एकदम ध्यान से मेकअप देखो, बाद में शांति से सेव वीडियो देखना. करेक्ट मैम. आई के नीचे जेल लाइनर लगाने से क्यों फैलता है? क्योंकि आप उसको ड्राई नहीं होने देते. श्रद्धा जी दाहब के लेंसेज आपके पास मिल जाएंगे. कलर बोर्ड की फेक भी आती है और ओरिजिनल कितने तक मिलेगी? प्लीज डीएम अस फॉर द प्राइजेस. इफ हम न्यू स्टूडियो ओपन करते हैं तो क्या सारे प्रोडक्ट्स फॉर एवर 52 के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, व्हाई नॉट. मैम विलेज वालों स्किन ब्लैक होती है तो उनके लिए कौन सा कंसीलर और फाउंडेशन अच्छा रहेगा? कोई भी ब्रांड का लीजिए. डार्क स्किन है तो पहली बात तो ब्लैक स्किन नहीं होती है, वो डार्क स्किन होती है रुचि पटेल जी. तो डार्क स्किन में डार्क स्किन का कंसीलर लीजिए. ब्रांड तो कोई भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हुडा लोगे तो ही अच्छा होगा. डार्क स्किन पे डार्क कंसीलर, फेयर स्किन पे फेयर कंसीलर. आज ब्लैक बोल दिया दूसरी बार ब्लैक मत बोलना. आई कंसीलर अलग होता है या फेस का ही सेम होता है? सेम होता है डियर, ऑलमोस्ट सेम होता है. कंपनी वाले नए नए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि आप लोग बाय कर सको. आई शेडो पैलेट कौन सी है? हमने कार्निवल एक्सेल प्रो यूज की है विच इज वन ऑफ द बेस्ट पैलेट एंड विच इज अवेलेबल विद धवल मारारिया. मैम तमे अत्यारे शू करो छो बताओ ने. हम लोग अत्यारे आई शेडो करी रहा छे. नहीं वो गुजराती हिंदी मिक्स हो ही जाता है, मजा आता है. मैम लोअर लैश लाइनर पर जेल लाइनर स्प्रेड हो जाता है, ये तीसरी चौथी बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन आया है डियर. लोअर लैश पे स्प्रेड इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पेशेंस लेवल कम है. हम क्या करते हैं, हम लगाने के बाद बस एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑटोमेटिक नेचुरली ड्राई हो जाएगा. नहीं, 2 मिनट देना पड़ता है उसको ड्राई होने के लिए. बेस्ट चीज है लोअर लैश पे जेल लाइनर लगाने के बाद आई शेडो से उसको ब्लेंड कर दो तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा. पॉज हो गया था इसलिए कॉन्टोर से क्या किया वो स्टेप्स बताइए ना प्लीज. जब पॉज हो गया था तब हमने स्टॉप कर दिया था मेकअप, हमने कुछ नहीं किया था. कॉन्टोर के बाद ब्लशर किया, ब्लशर के बाद हाइलाइटर किया, हाइलाइटर के बाद हुडा ब्यूटी का बनाना पाउडर से बेकिंग किया है, उसके बाद सेटिंग स्प्रे किया, फिर वीडियो एंड किया और फिर वापस से आ गए. सो नाउ विल जस्ट गिव द आईज शेप. अब हम आईज को शेप देंगे विथ अगेन द टार्टेन मीडियम शेप. टार्टेन मीडियम शेप टेप यूज कर रहे हैं एंड वी विल जस्ट गिव अ शेप टू द आईज. प्रियंका जी ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ अबाउट द लिपस्टिक. सो हमने बताया कि हम आपको कुछ हमारी ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी टिप्स देंगे जिससे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस आने से हम वो आंसर नहीं देंगे. फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल, ऑफकोर्स इट इज अवेलेबल विद हिमांशु शाह एंड धवल मारारिया. सो आप धवल मारारिया को डीएम कर सकते हैं, आप हिमांशु शाह को भी डीएम कर सकते हो. आपके पास कलर बोर्ड की पैलेट मिल जाएगी, ऑफकोर्स कलर बोर्ड की पैलेट भी मिल जाएगी.
एक अच्छा स्ट्रोक क्रीम सजेस्ट कीजिए। आज जो यूज किया है मैक का स्ट्रोक क्रीम वो बहुत अच्छा है, वो आप बाय कर सकते हो। ऑरेंज। सो वी ऑल्सो हैव अल्पा शाह वॉचिंग अस लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव अल्पा शाह। इवन अल्पा शाह इज देयर इन द मेकअप महोत्सव, शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। अल्पा शाह हेयर स्टाइलिस्ट है और वो भी 3 दिन का ऑनलाइन क्लास देने वाली है इन मेकअप महोत्सव क्लास। सो लेट्स ऑल्सो वेलकम अल्पा शाह। जल्दी से क्लैपिंग इमोजीज फॉर अल्पा शाह। मैम पीएससी के ब्रश यूज करे तो कौन से नंबर लेने चाहिए? बहुत सारे ब्रशेस है, आपको ऑफकोर्स देख के ही लेने पड़ेंगे। बाकी कभी कभी अगर थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन में से फ्री होंगे तो ट्विंकल मैम एक ब्रश का लिस्ट भी बना देगी, डोंट वरी। सो ऑनलाइन ऑफलाइन में से फ्री होंगे तब। सो यस, BCAI की फैमिली तहे दिल से वेलकम करती है अल्पा शाह का। एंड यू कैन सी द व्यूअर्स आर सेंडिंग द क्लैपिंग इमोजी। मैक का स्टूडियो फिक्स नंबर एक कयो शेड ले वो जो ये एक तो ले ही नहीं सकते हो। क्यों मेरी स्किन पे और ट्विंकल की स्किन पे दोनों पे एक ही यूज करोगे तो या तो मेरी स्किन ब्लैक पड़ जाएगी या ट्विंकल की स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, ग्रे पड़ जाएगी। मिनिमम आपके पास एक लाइट शेड एक डार्क शेड होना चाहिए ताकि आप मिक्स मैच कर सकते हो। ओके यस, सो एवरीबॉडी इज कट क्रीज के लिए ब्यूटीलिशियस का ब्रश यूज किया मैम आपने? यस हमने बॉक्स ब्रश यूज किया है ब्यूटीलिशियस का। मैम ये आपने फाउंडेशन लगाया है आई पे? नहीं वीरल, हमने बताया था हम यूज कर रहे टाटे शेप टेप कंसीलर इन द शेड ऑफ मीडियम। ट्विंकल मैम प्लीज हाय बोलिए, प्लीज यू आर माय फेवरेट वन। बहुत बार हाय बोल दिया यार रश्मि। हेलो, फिर भी एक बार वापस उन्होंने बोला है तो। फिर अभी सब लोग स्टार्ट करेंगे, मुझे भी हाय बोलो, सबको हाय ऑन बिहाफ ऑफ ट्विंकल राजानी। ये कौन सा ब्रश यूज कर रहे हो? इट इज अ बॉक्स ब्रश। 3, 2, 1 नंबर इज 3, 2, 1 फॉरएवर 52 या शॉपरेल का लिप पैलेट कौन सा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है? दोनों लॉन्ग लास्टिंग है, दोनों अच्छे हैं। फिलहाल मेरा फेवरेट फॉरएवर 52 है। एलेगल में इंपॉर्टेंट शेड्स फेनिल, सॉरी नहीं पता है, सॉरी। तो क्यों मैक का मेकअप स्टूडियो फिक्स कयू ले जो? NC30 लो, NC42 लो, NC25 लो या NC20 लो, एक लाइट एक डार्क। फैशन फ्यूर और पीएससी शेड्स, सॉरी गाइज आई हैव स्टॉप्ड सेइंग द शेड्स नाउ, नो मोर शेड्स, सो प्लीज डू नॉट आस्क फॉर शेड्स। फॉर एवर 52 के ब्रश कैसे है? बहुत अच्छे है। कैन वी यूज हुडा बेकिंग पाउडर ऑन ड्राई स्किन? ऑफकोर्स यू कैन यूज, वाई नॉट। ओके सो गाइज आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द कमेंट्स, मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूं। सो इनर कॉर्नर में हम यूज कर रहे हैं लाइट कलर फ्रॉम जेम्स चार्ल्स पैलेट एंड द So right now I'm using the light color. Yes, so this is a pearl shade. Pearl shade I'm use kare towards the inner corner. Pigmented color. पर्पल पर्पल परबंडी के सॉरी काटे नहीं।
यूजिंग द पर्ल कलर विद द फ्लैट ब्रश. जेम्स टेल्स मी से हम पर्ल कलर यूज कर रहे हैं यूजिंग अ फ्लैट ब्रश. द ब्रश इज फ्रॉम PAC. इट इज अ PAC ब्रश. 384 नंबर इज 384. सो नाउ मूविंग विद वन मोर शेड डार्कर दैट इज लेट्स गो विद दिस कलर दिस टू गोल्डन एंड कॉपर मिक्स. हम गोल्डन कॉपर मिक्स करके यूज कर रहे हैं नाउ. सो यू कैन सी हाउ डिफाइंड द आईज आर लुकिंग. ये आईज को शेप देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Wow. Now I'll just blend this with the light pink color. So हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉपर कलर है कॉपर एंड पर्पल वो दोनों के बीच में हमें लाइन दिख रही है. सो वी विल जस्ट ब्लेंड इट विद द लाइट पिंक कलर. सो यू नो इट विल गिव अ वेरी ब्यूटिफुल इफेक्ट और बिल्कुल भी लाइन्स नहीं दिखेंगी. Doing it same on the another eyes. So we are repeating the same thing on the other eyes. ये बहुत ही ब्यूटीफुल आईज लगेंगी. यू विल नॉट बी एबल टू लाइक, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ब्राइड व्हाइट एंड रेड पहन रही है या ग्रीन एंड रेड पहन रही है तो आपको पर्टिकुलरली वही शेड्स यूज करने पड़ेंगे. नो नॉट लाइक दैट. सो यू कैन सी कि कितना डिफाइंड आईज लग रहा है. डू वेट फॉर द फाइनल लुक. हमारा फाइनल लुक आने वाला है एग्जैक्टली एट ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर पे आपको फाइनल लुक देखने मिलेगा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट फॉर द फाइनल लुक. ये हो गया बेस. इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और वो मसाला क्या होगा, ग्लिटर्स. क्योंकि ब्राइट ग्लिटर्स के बिना अधूरी है. दिस इज आई मेकअप समथिंग विच यू कैन कैरी ऑन विथ योर ब्राइड्स. यस एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल आई मेकअप एज यू ऑल कैन सी. ओके एग्जैक्ट सामने देखो. व्हाइट काजल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे. ध्यान से देखो लगाएंगे. डिसाइड करके मुझे बताओ लगाएंगे. सस्पेंस ओपन नहीं करना है. आई व्हाइट काजल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो ही बोलना है. लगाएंगे बेस्ट. क्यों लगाएंगे वो हम आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. चलो लैशेस रेडी करो. पर्पल कलर ऑन द लोअर लैश. सो वी आर यूजिंग जेम्स चार्ल्स में से पर्पल कलर यूज कर रहे हैं ऑन द लोअर लैश लाइन. सेम ऑन द अनदर साइड. सी लोअर लैश लाइन से घबराइए मत करने से, बिकॉज लोअर लैश लाइन के बगैर मेकअप बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट लगता है. सो इट इज अ मस्ट 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 थिंग दैट यू हैव टू डू. कई सारे लोग की कंप्लेन होती है कि हमारी चीनी जैसी आई मेकअप yes. चीनी चीनी रहते. क्यों? क्योंकि आप वहां पे फ्लैट काजल करके छोड़ देते हो.
एग्जैक्टली. सो अगर आपको चीनी लुक नहीं चाहिए तो लोअर लैश कर दीजिए, कंपल्सरी है. हमने ऊपर कौन सी फैमिली ली थी? रेड फैमिली. तो नीचे सारे कलर्स को किससे ब्लेंड करेंगे? रेड. लाइट कलर उसका ऑरेंज. वेरी गुड. सो यस, हमारे सारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स का रिविजन चल रहा है. लाइव में नंबर पेंट केवी रीते करवानो उर्मी दीदी. हाँ, उसके लिए मैं एक अलग क्लास लेकर आऊंगी. जो फोन में से लाइव चल रहा है उसमें किसी का भी कमेंट दिखे, मतलब अगर आप लिख रहे हो तो पहले लिख के कमेंट्स में जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर वन टाइम क्लिक कीजिए, पिन करने का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. और अगर किसी और ने कमेंट भेजा है उसको पिन करना है तो उसके ऊपर वन टाइम क्लिक कीजिए तो ऑप्शन मिल जाएगा. मैम फॉरएवर 52 का अनलिमिटेड 35 आई शेडो कैसा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस सीरीज. अंडर आई लाइन थोड़ी देर के बाद क्यों आता है? क्योंकि वो होता ही है और वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की वजह से ऊपर आ जाता है. सो दिस इज आवर ब्रांड प्रोडक्ट एंड इट इज अवेलेबल विद धवल मारडिया. कॉपर कलर के ग्लिटर्स लगाएंगे हम. यस, थोड़ा फास्ट विल मेक अ पेस्ट. यस, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ग्लू लेंगे और वो ग्लू में थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे अच्छा वाला, कंसिस्टेंसी पेस्ट की जो हमें चाहिए वो. मिक्सिंग इट वेल. सी, कभी भी आपको अगर डर लगता है कि ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद ग्लिटर्स नहीं अच्छे से रहते तो आपको ये टेक्निक यूज करना है. एक अच्छी सी पेस्ट बना दीजिए, पेस्ट बनाने के बाद वो बहुत ही इजीली फिक्स हो जाएंगे और ये बहुत हार्श लुक भी नहीं देता, बहुत सॉफ्ट लुक देता है. यस yes. कहीं क्लाइंट को बहुत चमक जमक नहीं पसंद है, ग्लिटर ही ना पसंद हो, सॉफ्ट लुक पसंद हो, तो उस पे आप ये चीज कर सकते हो. सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम सॉफ्ट लुक. व्हाट इज द ब्रश नंबर दैट वी आर यूजिंग? 311 फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. ब्यूटीलिशियस का 311 नंबर. यस, ग्लिटर लगाने के लिए कोई पर्टिकुलर ब्रश नहीं है, आपके वैनिटी में जो यूज नहीं होता है वो ब्रश लगा लो. वाह, व्हाट एन आइडिया. आईज ओपन कीजिए एंड यू कैन हैव अ लुक. वाओ, अमेजिंग. Now I'll use the liner. We are using Inglot black gel liner. The darkest gel liner. Yes, it is one of the darkest gel liner. हम Vega का normal zero number brush use कर रहे हैं. So you can see the darkness of this black color. So guys, I just want to know how did you find the look. आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूं. आपको बताना है कि आपको आज का लुक कैसा लगा. ओके.
सुपर वाव ग्लिटर कैसे यूज करें? ग्लिटर को आपको सिंपल एक ही चीज करना है, ग्लिटर और पेस्ट बना देनी है, ग्लिटर की एक अच्छी सी पेस्ट बना देनी है मिक्सिंग विद ग्लिटर ग्लू और आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। लोअर लैश में दो ब्रश यूज, पेंसिल ब्रश यूज करने हैं। लोअर लैश में ऑलवेज यूज पेंसिल ब्रश फ्रॉम एनी ब्रांड। कैसे मिक्स किया दिखाइए प्लीज, नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन में पक्का दिखाएंगे कि ग्लिटर हमने कैसे मिक्स किया है। लोअर लैश लोअर लैश लगावा माटे कयू ब्रश यूज करू? पेंसिल, PAC 092 नंबर फ्रॉम PAC। महोत्सव इज फॉर बेसिक एज वेल, ऑफकोर्स बेसिक से एडवांस ही होगा महोत्सव। मैम ये वीडियो सेव होगा? ऑफकोर्स सेव होगा। सुपर फाइन नाइस मैम, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। सो गाइज हमने बोल दिया कि एक पेस्ट बनाना है, तो आप एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी तो जानते ही हो, सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे क्या करना है। सुपर ब्लॉक सलोनी जी, वीडियो सेव होगा, मैंने अभी जस्ट बताया AP ब्यूटी पार्लर को। ब्यूटीफुल आयशा, थैंक यू सो मच फॉर न्यू टेक्निक, दिया आपने ग्लिटर का दिया, थैंक यू। कौन सी जेल लाइनर है? मैंने ऑलरेडी बताया है वाइशू, इट वॉज इनग्लॉट 77 नंबर। ग्लिटर ग्लू कौन सा यूज किया? हमने LIT का ग्लिटर ग्लू यूज किया। महोत्सव में कलर थियोरी बताएंगे ट्विंकल मैम? यस, कलर व्हील भी एक टॉपिक है महोत्सव में जो ट्विंकल मैम बताने वाले हैं। मैम ग्लिटर व्हाइट या ब्लैक यूज करें? ग्लिटर व्हाइट या ब्लैक यूज करें? क्यों? ग्लिटर नहीं पूछ आप, काजल के बारे में पूछो तो काजल हम अंदर तो व्हाइट यूज करेंगे। आज हम ब्लैक ही यूज कर रहे हैं, सॉरी, बिकॉज द आई मेकअप इज डन इन अ सच अ टेक्निक। आज का हमारा जो आई मेकअप है वो एक अलग टेक्निक से किया है, सो हम ब्लैक ही यूज करेंगे। मैम नीचे की साइड पर्पल लाइन एड इनर में कौन सा? लैशेस गोल्डन। क्या बोल रहे हो काजल, जब बराबर से लिखिए मुझे नहीं समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो, प्रॉपरली लिखिए। ग्लिटर कौन सा है? हमने एक अलग ब्रांड का ग्लिटर यूज किया जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, वी आर स्टिल अबाउट टू गिव देम अ नेम, बट इट इज अवेलेबल विद अस एंड इट इज अ नाइस ब्रांड क्वालिटी। मस्त लुक, नाइस दीदी, थैंक यू। ब्लर, ब्लर नहीं हो रहा है, देखो। मैम ऑनलाइन क्लास में एयरब्रश टेक्निक्स भी बताओगे? ऑफकोर्स बताएंगे। फॉरएवर 52 के फाउंडेशन शेड्स फॉर वैनिटी 4, 7, 11। ग्लिटर कौन सी है? ऑलरेडी बता दिया मैम। स्किन की क्लास कब होगी? लाइव, बहुत जल्द। ग्लिटर कैसे पेस्ट करना है? थोड़ा सा पाउडर को थोड़े से ग्लू में मिक्स करके पेस्ट बनाना है। पर्पल को क्रीज लाइन में ब्लेंड किया था मैम। ब्रश नंबर पेंसिल ब्रश 092 फ्रॉम PAC। इट विल बी इन इंग्लिश एज वेल, ऑफकोर्स द ऑनलाइन क्लास विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस। विच एवर सेंटेंस आई से इन हिंदी विल बी रिपीटेड इन इंग्लिश। ट्विंकल मैम ऑलवेज रॉकिंग वर्क करते हैं, लव दिस लुक, थैंक यू रितिका। ट्विंकल दी केम छो, शी इज फिट एंड फाइन। मैम आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, हमें आपका वर्क बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस, थैंक यू। बनाना पाउडर और लूज पाउडर में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, जो लूज पाउडर का नाम है वो बनाना पाउडर है। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑल राइट। सो हम ब्लैक काजल कर रहे हैं, इट इज अ विच काजल? इनग्लॉट जेल लाइनर से। ओके, हम इनग्लॉट जेल लाइनर से ही काजल कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रश था उसको रिवर्स साइड से यूज कर रहे हैं। आई लैशेस कौन सी है? लैशअप, इट इज अ लैशअप आई लैशेस, लैशअप आई लैशेस, लैशअप लैशअप। द नंबर इज फ्लैटरी, द नेम इज फ्लैटरी, लैशअप की फ्लैटरी। हमने ब्लैक काजल इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर के जो कलर्स यूज किए हमने आई शेडो में, अगर उसमें अगर मैं व्हाइट काजल करूंगी तो इसका पूरा गेटअप चला जाएगा। एग्जैक्टली, सो आपको पता होना चाहिए। यस, फॉर दिस कलर व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एवर 52 काजल इज ऑल्सो वेरी गुड, बट हमने अभी ब्लैक जेल लाइनर से ही किया है। सुपर मेकअप लॉरा मसी और बनाना पाउडर में क्या डिफरेंट है? बनाना पाउडर हुडा ब्यूटी ब्रांड का है, लॉरा मसी ब्रांड का है। एंड द थिंग इज हुडा ब्यूटी इज ट्रांसल्यूसेंट एंड द लॉरा मसी इज लूज पाउडर, लूज पाउडर। यस, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस। उन दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट्स बताएंगे?
ट्रांसल्यूशन एंड लूज पाउडर. लूज पाउडर एक ही यूनिवर्सल आ गया. लूज पाउडर यूनिवर्सल होता है, जैसे लॉरा मर्सी है. ट्रांसल्यूशन पाउडर्स में बहुत सारे शेड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन. ओके चलो गाइज, मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स. एंड जल्दी से अब क्या बचा है, जल्दी से बताइए. एग्जैक्टली, सो अब हमारी लिपस्टिक लगेगी और हम भागेंगे. ना सो हम क्या कर रहे हैं, अर्बन डीके का ब्लैकआउट यूज कर रहे हैं. अर्बन डीके का ब्लैकआउट यूज कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं, जो हमने अंडर आइज की है उसको एनहांस कर रहे हैं, और जो हमारी काजल है उसको हम ड्राई कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए. यूजिंग द सेम शेड विच वी हैव यूज ऑन द अपर साइड फॉर द इनर कॉर्नर. जो पर्ल शेड हमने इनर कॉर्नर के लिए यूज किया था वही सेम शेड हम लोअर इनर कॉर्नर में यूज करेंगे. व्हाट इज द ब्रश नंबर? PAC 384. 384 नंबर फ्रॉम PAC. Purple color to blend the black, and it is the same pencil brush that we are using, 092 number from PAC, and creating a small double wing liner. So hum kya kare, we are creating a double winged liner. Smudged. It is a smudged double winged liner. जो एकदम पर्टिकुलर एकदम पॉइंटेड लाइनर नहीं रहेगा, एक स्मजिंग इफेक्ट देगा. सो हमने जो लोअर लैश में काजल लगाया था उसमें हमने थोड़ा सा ब्लैकआउट यूज किया था, एंड देन वी आर यूजिंग अ पर्पल कलर, उसी को हमने अच्छे से स्मज किया है. सो लाइनर्स में भी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है. सो यू कैन सी हमने ब्लैकआउट के साथ अच्छे से स्मच कर दिया है, एंड रियली इट इज लुकिंग अमेजिंग. एंड इन बिटवीन आई बी यूजिंग द कंसीलर ताकि वो और एनहांस हो. सो हम क्या कर रहे हैं, टाटे का एक लाइटर शेड यूज कर रहे हैं, और जो दो हमारी विंग लाइनर हुई है उसके मिडल में हम वो यूज करेंगे. You can see how beautiful it is looking. मैम आपने कौन सा कंसीलर यूज किया आप रिपीटेड वीडियोज देख लेना. मैम आपने कौन सा फाउंडेशन यूज किया अगेन रिपीटेड वीडियोज देख लेना. मैम इसमें क्रीज सा नहीं आएगा. क्या बोल रहे हो छवि जी? मैम इनमा इमे क्रीज सा नहीं समझा. मैम HD फाउंडेशन बता दो एक बार. नहीं बता सकते. HD फाउंडेशन कौन सा ले, कोई भी लीजिए जिसमें HD लिखा हो. लाइव में नंबर पिंक की विद ऑलरेडी इनफॉर्म. मैम बेस व्हाइट हो जाए तो क्या करे? व्हाइट कैसे होता है बेस, मुझे वो बताइए पहले. मैक फाउंडेशन का डार्क शेड कौन सा है? 40, 42 सारे डार्क शेड्स है.
देखो मनीषा जी ने टोटल कितनी बार सेम क्वेश्चन पूछा है मैं बताऊं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार सेम क्वेश्चन पूछा है, मैक का डार्क शेड कौन सा है कौन सा है कौन सा है। सो मनीषा जी फिर अगर नेक्स्ट टाइम मैं आपके क्वेश्चंस रीड ना करूं तो बुरा मत लगाना। मेकअप व्हाइट हो जाए तो उसे करेक्ट कैसे करो? ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया है तो उसको डार्क शेड से करेक्ट कीजिए। लिपस्टिक रेड। आईलाइनर ब्रश नंबर बताओ प्लीज। इट वाज व्हाट वाज आईलाइनर ब्रश नंबर? इट वाज 0 नंबर, वेगा का 0 नंबर। हम लिपस्टिक रेड करेंगे, न्यूड नहीं करेंगे। ओके सो लेट्स गो विद द रेड शेड। हमने न्यूड की है लिपस्टिक बट अभी ट्विंकल मैम को लग रहा है कि लेट्स डू द रेड लिपस्टिक, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। सो हम फेंटी ब्यूटी की रेड शेड यूज कर रहे हैं। इससे पहले हमने फॉरएवर 52 का न्यूड शेड यूज किया था। सो लाइफ में भी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं 55 होने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो। क्या बाकी होलोग्राफिक हाइलाइटर आई हैव इट। ओके हो जाएगा। सॉरी गाइस। सो आई होप आप लोगों को आज का मेकअप अच्छा लगा। यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड क्रिएट द सेम मेकअप लुक। एंड गाइज अगर फ्री सेशन में हम इतना ब्यूटीफुल मेकअप आपको सिखा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि हमारी ऑनलाइन क्लास में कितना डेप्थ में आपको सीखने मिलेगा। और गाइज ओनली 3,000 रुपीज, इतने सारे इंटरनेशनली ट्रेंड आर्टिस्ट के पास सीखने का मौका ऑनलाइन ओनली इन 3,000 रुपीज is seriously guys a very 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 small amount. Just remember the days when you were paying 2000 rupees for just 3 days online class, wo bhi sirf ek artist ka. Ab aap pay kar rahe ho 3000 rupees for all 15 artists, so it is a very great opportunity and you should not miss it. Lipstick kaun sa hai? It is a Fenty Beauty, the shade is red. Abhi hum log Ferrarucci ka holographic highlighter palette use kar rahe hain. हाइलाइटर पैलेट है ये होलोग्राफिक एंड इट इज फ्रॉम Ferrarucci विच इज अ वेरी 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 वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर पैलेट। सी होलोग्राफिक हाइलाइटर लगाने से इफेक्ट देखिए कितना ब्यूटिफुल इफेक्ट आया है। वाओ अमेजिंग। अगेन हाइलाइटर लगाने की टेक्निक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यू शुड नो दिस टेक्निक ऑफ हाइलाइटिंग। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस Anastasia मून चाइल्ड पैलेट। इट वॉज अ हाइलाइटर पैलेट फ्रॉम Anastasia और मून चाइल्ड पैलेट। ये एक बेस हाइलाइटर है जो आप आईब्रो डिफाइनिंग के लिए और अपने बेस हाइलाइटर के लिए भी यूज कर सकते हो। वाओ थैंक यू, यू आर वेलकम। मैम गोल्डन आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं ब्लैक के साथ? यस ऑफ कोर्स। ओके वी आर लेफ्ट विद वन मोर थिंग, मस्कारा। यस एंड विल जस्ट लॉक द लिपस्टिक। ओके जो आपके क्वेश्चन थे, नथ पे लिपस्टिक लग जाती है, नथ पे लिपस्टिक लग जाती है, नथ पे लिपस्टिक लग जाती है, सो उसको हम लॉक करेंगे कैसे? रेड लिपस्टिक के ऊपर लेट रेड कलर का आई शेडो डैप कर देंगे, लिपस्टिक लॉक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, मैट हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगी, नथ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सो आई होप यू लाइक दिस टेक्निक। इसीलिए हम कह रहे थे जब जो टॉपिक चलता है वो टॉपिक पे तभी बात करो तो आपको भी सीखने में मजा आएगा। जैसे अभी हुआ, आप लोग जब बेस चल रहा था, जब आई शैडो चल रहा था, तब नथ और लिपस्टिक की बात कर रहे थे।
मस्कारा. एंड नाउ वी आर यूजिंग विच ब्रांड? फॉर एवर 52 मस्कारा. कभी भी मस्कारा अवॉइड मत कीजिए, उसी से फाइनल लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है. ओके, सो वी आर डन विद द मेकअप. लाइट्स के बिना दिखाना है एक बार? यस. ओके, तो पहले एक बार वो लोग लाइट्स के साथ देख ले. लाइट्स हमारी ऑफ होना स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, सो हम पहले लाइट्स के साथ बताते हैं, देन विदाउट लाइट्स. ओके, सी अभी लाइट्स ऑन की हमने. Sure, I'm sure आपको इफेक्ट दिखा होगा. स्केच लाइनर आपको. विल जस्ट मेक द लाइनर मोर इंटेंसिव बाय यूजिंग. हम स्केच लाइनर यूज कर रहे हैं, द ब्रांड इज Forever 52. Okay, it is a Forever 52 sketch liner. So now we will be showing you the before and the after picture. So yes, here we show you the before picture. अगर आपने क्लिक किया रहेगा so you will get the easy idea, and here is the after. And right now we have just turned on the light, so आप light के effects में देख रहे हो. And now let's turn off the lights. ऐसी lights बंद कर दो. First over over कोई नहीं. The wifi बंद थी just. नहीं. Okay, so let's see. ऐसी light बंद कर दो. So we'll just have a look with this is the without light look. Yes. Thank you so much. Kaisa laga? Wow. Amazing. Thank you so much. गाइस यस, जैसे आपने कहा था आपको वेनिटी में कौन कौन सी एसेंशियल चीजें चाहिए, तो आपको सिंपल ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर को मेंशन करना है. एंड वंस वी सी द मेंशन स्टोरी वेरी सून यू विल गेट, जितने लोग मेंशन करेंगे उन लोगों को एक लिस्ट मिलेगी इकोनॉमी रेंज में प्रोडक्ट्स. इकोनॉमी रेंज में कौन कौन से एसेंशियल प्रोडक्ट्स है जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए, वो लिस्ट आपको मिलेगी बाय ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर. यू जस्ट हैव टू डू अ सिंपल थिंग. क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कीजिए ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर को, कृषांग राजानी को, उर्मिशा 9, हिमांशु उर्मी HS1, धवल मारडिया, BCAI सूरत. एंड यस, आपको एक बहुत ही अच्छी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से एसेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए इकोनॉमी रेंज के आपकी मेकअप वैनिटी में. जब हमें नोटिफिकेशन, एंड ऑफकोर्स उसके लिए आपको फॉलो भी करना पड़ेगा इन सबको. सो जब तक आप फॉलो नहीं करोगे और जब तक आप एक मेंशन स्टोरी नहीं डालोगे, जैसे ही आप हमें मेंशन करोगे तो हमें नोटिफिकेशन आएगा यू नो समबडी हैज मेंशनड यू. सो उसे वो लिस्ट मिल जाएगी. सो इफ यू रियली वांट द इकोनॉमी रेंज लिस्ट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑल द आईडीज दैट आई हैव जस्ट मेंशनड. ऑलराइट, सो यस, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. अभी भी पिक्चर बाकी है, फाइनल लुक ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर पे पोस्ट होगा आफ्टर द हेयर स्टाइल. सो पोस्ट होगा, पोस्ट लाइव नहीं, पोस्ट होगा. सो यस, अगर आपको ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल देखनी है तो आपको पोस्ट पे ध्यान देना है, आपको ट्विंकल ब्यूटी मेकओवर को फॉलो करना है. वन मोर टाइम, दिस इज द बिफोर पिक्चर एंड द आफ्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, and see you all soon. Tomorrow again we have a live 1 PM with Kashish Jain, so don't forget to watch us tomorrow live again with Kashish Jain. I hope you all love this look and enjoy. See you all very soon. Bye-bye. Bye-bye.